कल तो पाकिस्तानी कप्तान ही गुस्से से लगे पड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं। पता क्या हुआ है, बाबर आजम कल जो न्यूजीलैंड सामने पहला ओडीआई मैच जीत गए, तो सरफराज जो उनके पहले कैप्टन थे चैंपियंस ट्रॉफी वाले, सरफराज अहमद या खान, सरफराज खान है फिर जो पाकिस्तान के 2017 में कैप्टन थे, सरफराज अहमद, उन्होंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी लगा दी कि जब मैं कप्तान था तो मैंने अपना न्यूजीलैंड को घर में भी हराया था, यहाँ पर भी हराया था। अब पता नहीं कहना क्या चाहते थे उसके अंदर, काफी लोग कह रहे हैं कि ये बाबर आजम को दिखाना चाहता है कि मैंने भी न्यूजीलैंड को हराया हुआ है, तू भी हरा रहा है, मैंने वहां पर भी जाके हराया था। इनकी प्रॉब्लम ही है ये, सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक दूसरे को नीचे खींचना। कोई भी पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, आप खुद बता दीजिए अगर ये सच्चा कि नहीं है। अगर कल्चरली आप ऐसा करोगे, मेरे को याद है शोएब अख्तर ने जब सचिन तेंदुलकर को छक्का मारा था वर्ल्ड कप के अंदर और चौके मारे थे, जो 98 नॉट आउट वाली सचिन की जो साउथ अफ्रीका वाली इनिंग है, आई थिंक सचिन्स ग्रेटेस्ट इनिंग, तो वहां पे जब छक्का भी मारा, दो चौके भी मारे, तो बाद में आके वसीम अकरम ने इंटरव्यू दिया, बोला कि शोएब अख्तर ने मना कर दिया कि जी हम उसके बाद बॉलिंग नहीं करेंगे, हमने पहली बार सुना था कि जी शोएब अख्तर के बॉलर हमें बोल रहा है कि मुझे चौके पड़ गए तो बॉल नहीं डालूंगा। मतलब तो खुद की मेरे को ये लगा कि यार आप इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम से बेटर तो बॉलर ही नहीं आया, आप क्यों एक जूनियर बॉलर को जो आपके सामने कुछ, आपको तो सीनियर बन के बोलना चाहिए अगर बच्चा बोल रहा है कि नहीं मेरे से हो रही है। सचिन आगे बड़े प्लेयर हैं, आपको तो खुद बॉल लेके करनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये एक दूसरे को नीचे खींचना हर बात में। बाबर आजम को मैंने बहुत बाबर आजम को रोस्ट किया है, बहुत करता हूँ, मैं बाबर आजम से मिला भी हुआ हूँ उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट आई अप्रिशिएट कि वो बैटिंग कैसे करता है। यस, उसको स्ट्राइक रेट उसको बेटर करनी चाहिए अपनी T20 में, बड़ी फिट मूव वाली स्ट्राइक रेट उसकी चलती है, और शोएब अख्तर ने मुझे ये भी बताया था वहां पर दोहा में कि वो उनकी बात हुई है बाबर से और वो कोशिश कर रहा है स्ट्राइक रेट अप करने की, कि स्ट्राइक रेट का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, और वो खुद भी अक्नॉलेज करता है। इवन इमामुल हक ने बताया था ना कि भाई वो मैच में जिता नहीं पा रहा हूँ, ये बाबर आजम ने खुद बोला है। शाहिद अफरीदी ने भी ये बात करी थी कि इनसे नहीं हो रही है स्ट्राइक रेट, तो जब वो खुद इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं ऐसी बातें करना, जबकि सरफराज अहमद वो आदमी है जिन्होंने उनको कप जिताया हुआ है, आप खुद अगर आगे आके बोलेंगे भाई पीठ पीछे जो बात होती है ना, नेवर वॉश योर डर्टी रेलेट इन पब्लिक, पीठ पीछे जो बात हो रही है, हालांकि हमें हम इंडिया से हैं, हम सारे हमारी अपनी टीम की बात करें हम अलग बात है, हमारी टीम में भी अभी धीरे 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 थोड़ी बहुत हमने देखा है कि हो जाता है, बाहर आ जाती है बातें, बट क्लोज डोर्स में होनी चाहिए बातें। सरफराज को कोई भी प्रॉब्लम है बाबर को सीधी बात करो, या बोर्ड से बात करो, पीसीबी से बात करो, नजम सेठी से बात करो कि जी मुझे आप ये रोल दे, या मुझे अंदर आना चाहिए बाहर आना चाहिए, जो भी है। सच बात यह है सरफराज जब बाहर हुए थे तो उनसे रन कहां लग रहे थे, बाबर आजम के तो आसपास भी रन नहीं थे भाई, थे तो आप बता दीजिए कहां से आपका रोल लग रहा था, नहीं लग रहा था। हाँ, आपकी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीती है पाकिस्तान, आपने अच्छा करा, नो डाउट अबाउट, आपने टेस्ट में भी 100 मारा था, बढ़िया मारा था, आप फाइट करके वापस आया, फाइटर है, सब कुछ सही है, बट अपने प्लेयरों को नीचे खींचना, नीचे दिखाना, स्पेशली जो कप्तान है जो खेल रहा है, इट्स नॉट राइट। और वो जीता है तो अप्रिशिएट करो ना यार, एक मैच पहले तक तो बोल रहे थे पाकिस्तान हार गई न्यूजीलैंड की सी टीम से, अब वो जीता है तो तुम बोल रहे हो कि मैं तो उधर भी हरा दिया इधर भी हरा दिया, नहीं होना चाहिए। चलो छोड़ो, अपने आईपीएल में वापस आते हैं, दूसरे प्लेयर को नहीं अपने आप को ही, अपने देश को ही नीचे खींच रहे हो ना ऐसी हरकतें, बिल्कुल, और उसके हमेशा होता है। 3 घंटे के बाद उन्होंने वो 100% डिलीट भी कर दी। मोहम्मद आमिर बोलेगा शोएब अख्तर को, शोएब अख्तर जी बोलेंगे ऊपर आके, मतलब लाइव में वो कामरान अकमल को देखा, उन्होंने करेक्ट करा, फिर कोई शाहिद अफरीदी बोलेगे किसी को, शोएब बोलेगे किसी को, मतलब ये आपस में ही एक दूसरे को नीचे खींचना हर क्रिकेटर का, किसी की भी, इनको सच्ची बात है, किसी की भी तरक्की बर्दाश्त ही नहीं है। तो प्रॉब्लम तो यही है ना, जब तक आपके अंतर कला नहीं सुलझेगी आप बाहर जाकर के कैसे तरक्की कर पाओगे, पहले आपको घर में। हमारे प्लेयर्स चलो जो मर्जी हो, हमारे प्लेयर्स कम से कम एक दूसरे को पब्लिकली नीचे नहीं खींचते, बहुत कम आपने देखा होगा किसी ने स्टेटमेंट दे दिया किसी के ऊपर। ये फाइनली आके वेंकटेश प्रसाद ने केएल राहुल पे लिखा था, बिकॉज पारी सर से ऊपर निकल चुका था, उनको वाकई ड्रॉप होना बनता था, वरना आप कभी नहीं देखोगे इंडियन क्रिकेट में। आपने देखा कि सचिन सौरभ के बारे में बोल रहे हैं, या सौरभ सचिन के बारे में बोल रहे हैं, या राहुल द्रविड़ सचिन के बारे में बोल रहे हैं, ये था, या विराट उसके बारे में बोल रहे हैं, रोहित के बारे में बोल रहे हैं, रोहित विराट के बारे में बुरा बोल रहे हैं, दिखा दीजिए ना इसको स्क्रीन पे, दिखा दीजिए इसको क्रॉप करके, कभी आपने सोचा है कि ऐसे बोलते हैं? आपके वहां तो जो खेल रहे हैं वो एक दूसरे के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ लड़ाई नहीं होगी, सचिन और सौरभ इतना टाइम खेले भाई, जो साथ में खेले के लड़ाई नहीं होगी, राहुल द्रविड़ की सचिन की नहीं हुई होगी, जब द्रविड़ ने वापस बुला लिया था पाकिस्तान में 190 कुछ पे 194 मेरे ख्याल खेल रहे, नहीं हुई होगी, बट क्या कुछ बोला तो बहुत अजीब सी बात है। आपके वहां पे पाकिस्तानी, स्पेशली जो मेरे को पता है कि बहुत हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड देखते हैं, ये कल्चर खत्म करो। Exactly. मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा था पाकिस्तान में देख के, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था इनकी प्रैक्टिस देखने, कि प्यार बहुत था टीम के अंदर, बाबर के लिए रिस्पेक्ट बहुत थी, शाहिद शाह अफरीदी को देख लो, हारिस रौफ को देख लो,
आप बाकी रिजवान को देख लो, दे रियली लव बाबर आजम, दे रियली लुक अप टू बाबर आजम, जिस तरीके से बाबर आजम ने टीम को इकट्ठा करा हुआ, वेरी वेरी गुड. एक्स पाकिस्तानी सरफराज अहमद ट्रोलिंग बाबर आजम कैप्टनसी डायरेक्टली. अंडर सरफराज पाकिस्तान टीम बीट न्यूजीलैंड ट्वाइस होम एंड अवे बोथ. ये सरफराज ने किसी का शेयर किया है, टीम सरफराज का अपनी टीम का शेयर करवा, उन्होंने अपनी अपने अपने खुद के इंस्टा पे डाला है स्टोरी, अब रात में डिलीट कर दिया उन्होंने. नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत बात है. हालांकि हमें आप फिर ऑर्डर दे रहे हो कि आपका मजाक उड़ा है, क्यों करते हो ऐसे, आप नहीं करना चाहते हम ये. और बाबर के लिए जो जो लोग मेरे को बोलते हैं भाई, मैं उससे जरूर उसको जरूर करता हूँ कि स्ट्राइकर, बट आई अप्रिशिएट हिम, अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर, नो डाउट.